ओम शांति। 28 अप्रैल ये उस समय की अव्यक्त मुरली है जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, तो सारे देश में हलचल हो गई थी बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी। सिखों पर आक्रमण हुए थे, बहुतों को उस बात का पता है क्या क्या हुआ था। उस संदर्भ में बाबा की मुरली चली है, बाबा याद दिला रहे हैं, तुम सृष्टि के पूर्वज हो, तुमसे सारी सृष्टि को शांति के वाइब्रेशंस जा रहे हैं, तुम सभी मास्टर शांति सागर, मास्टर शांति के सूर्य हो, तुमसे ही सबको शांति मिल रही है। तो बाबा कह रहे थे सबको शांति के वाइब्रेशंस दो, क्योंकि देश में बहुत हलचल हो गई थी, भगदड़ मच गई थी, एकदम हाहाकार जैसी स्थिति आ गई थी, जहां तहां आंदोलन हो गए थे। तो बाबा अपनी सेना में बल भर रहे थे, तुम्हें भूलना नहीं है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें बेहद का वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि उस समय वैराग्य आ गया था भारत में सबको, तो तुम्हें बेहद का वैराग्य होना चाहिए। तुम्हारा बेहद का वैराग्य दूसरों में आए हुए हद के वैराग्य को बेहद के वैराग्य में बदल देगा। तो बाबा पहले हमें हमारी स्मृति दिला रहे हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें परेशान नहीं होना है, साक्षी होकर खेल को देखना है और सबको वाइब्रेशंस देते चलना है। हम सभी को यही काम महाविनाश के समय भी करना होगा। बेहद का वैराग्य अर्थात किसी भी चीज के अधीन नहीं, साधन है ठीक है, यूज करने के लिए है, निमित्त बनकर न्यारे होकर साधनों को यूज किया, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। लेकिन यदि हम किसी साधन के अधीन हो जाते हैं, यदि हम किसी संस्कार के अधीन हो जाते हैं, यदि हम किसी व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं, तो ये परवश स्थिति है। तो बाबा एक कड़ा शब्द बोल रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी भूत के अधीन हो जाए, परवश हो जाए, भूत उसमें प्रवेश कर ले तो क्या स्थिति हो जाती है। तो किसी भी चीज के अधीन आत्मा ऐसे ही परवश हो जाएगी और स्थिति पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें अधीन नहीं होना है, तुम्हें तो सारी प्रकृति को, सर्व कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि को अपने अधीन करना है। तो इन दोनों बातों पर हम ध्यान देंगे और बाबा याद दिला रहे हैं, तुम्हारी दृष्टि वृत्ति भावनाएं स्मृति सब बेहद की होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। स्वार्थ भी मनुष्य का काम करता रहता है ना, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे हैं, हम इस पार्टी से प्यार करते हैं, उस पार्टी से, तब ये था, तो इंदिरा गांधी से भी लोगों का प्यार था, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी, तब सबकी मानसिक स्थिति काफी डावाडोल थी। तो बाबा कह रहे तुम्हें तो इन सबसे ऊपर बेहद में आना है और वाइब्रेशन सबको देने हैं। तो बाबा पुनः पुनः याद दिला रहे हैं कि वाणी से तो तुम ज्ञान देते ही हो, लेकिन मनसा के द्वारा शांति के वाइब्रेशंस दो तो वो बाबा के बच्चे बन जाएंगे। ज्ञान सुनकर तो वो अच्छा अच्छा कह के चले जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशंस प्राप्त करके वो बहुत श्रेष्ठ हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, तब बाबा ये बात बहुत कहा करते थे कि जब बाबा के बच्चे अलबेले हो जाते हैं, आलस और अलबेलेपन की नींद में सोने लगते हैं, तब बाबा उनको भिन्न भिन्न तरह से जगाते हैं, घंटी बजाते हैं। तो ये भी एक घंटी बजाई है, जागो अलबेलेपन में और आलस में। कई लोग सोचते हैं ना, कर लेंगे, पुरुषार्थ में क्या जल्दी है, अभी थोड़ा ही विनाश हो रहा है, दूसरे भी तो नहीं कर रहे हैं। बाबा एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक कमरे में चार पांच लोग सोए हों, चार बजे हों, मुंह निकाल कर चादर से देखेंगे कोई और उठा है, तीन भी सोए हुए, तो चलो हम भी सो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, तीन सोए हुए सोने दो, मुझे तो अपना योग अभ्यास करना है। तो बाबा कह रहे ऐसे ही लोग अब
जब ये घटना हुई है तो जैसे अंधकार के पर्दे से मुंह बाहर निकाल कर देख रहे हैं, कुछ तो हो गया। कुछ लोग चुस्त हो गए हैं कि कुछ तो हो गया, जो ब्रह्मा कुमारियां कहती थी शायद वो टाइम आ गया है। तो कईयों काल वेलापन आलस भी समाप्त हुआ और उस घटना को देखकर हमने देखा कि अनेक ब्राह्मणों में जागृति आई थी, चुस्ती आई थी। लेकिन जब समय इस तरह वैराग दिलाता है तो वैराग ज्यादा समय नहीं चलता है, फिर वो राग में बदल गया। बाबा भी यही पूछ रहे हैं, बेहद का वैराग है या अनुराग है दुनिया के साधनों से, दुनिया के आकर्षणों में? तुम्हारा वैराग सदा का वैराग्य होना चाहिए क्योंकि तुम फाउंडेशन हो। किसी ग्रुप से बात करते हुए बाबा ने हम सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। जैसे कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड वाले ये नहीं पूछते आग क्यों लगी, किसने लगाई, उनका काम होता है बुझाना। वे अपने कार्य में तन्मयता से लग जाते हैं ना। ऐसे ही कोई बात क्यों हुई, इंदिरा गांधी की बात हम कर रहे थे तो लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे थे, क्यों मार दिया गया, क्या गलती हुई थी, क्यों ऐसा किया बॉडीगार्ड ने? तो बाबा कह रहे थे ये क्वेश्चंस न उठा के तुम्हारा जो कर्तव्य है सबको शांति देना, सबके चित्त को शांत करना, तुम अपना वो कर्तव्य करो। बहुत सुंदर बात है। रोज जीवन में ऐसी बातें आती रहती हैं, हम क्वेश्चन उठाते रहते हैं, समस्याओं के बीज में, कारण में, गहराई में जाते रहते हैं। उसमें ना जाकर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इनका समाधान क्या करना है। वरदान बहुत सुंदर है, इसी से जुड़ा हुआ है। साइलेंस की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, इससे सब शक्तियां स्वतः ही आ जाती हैं। साइंस का आधार भी ये साइलेंस की शक्ति है, इसलिए अपने अंदर साइलेंस की शक्ति बढ़ाओ तो असंभव कार्यों को भी संभव कर सकेंगे। साइलेंस ये शक्ति तब जेनरेट होती है जब हमारा मन शांत हो जाता है, और जब मनुष्य का मन शांत हो जाता है तब उससे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। ये वाइब्रेशंस वहां वहां जाते हैं जहां जहां इनकी जरूरत है, और जो वैज्ञानिक खोज के काम में लगे हुए हैं ये वाइब्रेशंस उनके चित्त को, उनके मन को शांत करने लगते हैं। और जब मन शांत होता है तो बुद्धि परफेक्टली काम करती है, तब बुद्धि में वो सारी टचिंग आने लगती हैं जिसके संदर्भ में वो रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसलिए साइलेंस के वाइब्रेशन से साइंस भी आगे बढ़ती है, ये हमें जानना चाहिए। और हमें अपने बोल से सभी को सुख शांति का अनुभव कराना है, ये हम ध्यान रखें। बोल हमारे किसी के सुख को, किसी की शांति को छीने नहीं। तो आज सारा दिन हम याद रखेंगे मैं पूर्वज हूं, और बाबा से शांति किरणें लेकर चारों ओर फैलाएंगे। घंटे में एक बार अगर एक मिनट ये अभ्यास हो जाए तो अनुभव चमत्कारी होंगे। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.